वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज। हमने एनवायरनमेंट के प्रीवियस लेक्चर में दो टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला था फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड और दूसरा था डिजाइन लाइफ एंड डिजाइन डिस्चार्ज इन रो वाटर सप्लाई। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। इसका रीजन ये है कि हमें वाटर सप्लाई सिस्टम को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिजाइन करते हैं और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं रहती है, ये इंक्रीज होती है। तो हमें उस पीरियड के एंड में जो पॉपुलेशन जितनी होगी उस पॉपुलेशन के लिए हमें वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करना होता है ताकि ये उस पीरियड के एंड तक हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम लोगों की वाटर डिमांड को फुलफिल कर सके। तो इसलिए हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी होती है। देयर आर थ्री मेन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन। फर्स्ट वन इज बर्थ, सेकेंड इज डेथ एंड थर्ड इज माइग्रेशन। किसी भी जगह की पॉपुलेशन यानी कोई न्यू सिटी, उसमें पॉपुलेशन हमेशा एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट कर्व। इसकी तीन स्टेजेस होती है। पहली स्टेज फर्स्ट होती है ए बी और स्टेज सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी डी एंड स्टेज थर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ई। इन स्टेज थर्ड है डी ई। तो स्टेज वन में पॉपुलेशन हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डी पी अपॉन डी टी हमेशा इंक्रीज होगी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन पी। एंड स्टेज सेकेंड में बी डी में पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डी पी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगी और स्टेज थर्ड डी ई में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डी पी अपॉन डी टी डिक्रीज होगी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस पी। इन ग्रोथ रेट पॉइंट सी ग्रोथ रेट कर पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डी पी अपॉन डी टी मैक्सिमम होगा। इसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें मिलेगा, ये हमारा ग्रोथ रेट कर्व है। पी एस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेशन पॉपुलेशन को। ये किसी भी सिटी में मैक्सिमम जितनी भी पॉपुलेशन हो सकती है सैचुरेशन पॉपुलेशन वो होती है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड। सबसे पहला मेथड है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। इन दिस मेथड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट एंड एन एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन। तो हमें इसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और एक एवरेज इंक्रीज कंसिडर करते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन के ऊपर जो हमारे फ्यूचर पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इसका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से फ्यूचर पॉपुलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पी एन इट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, जहां पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिकेट्स। पी एन है एन डिकेट्स के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पी एन और पी नॉट हमारी इनिशियल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स बार है जो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। ये आगे मैं कैलकुलेट करना बताऊंगी इक्वेशन में। सेकेंड मैथड है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मैथड। इन दिस मैथड परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। इसमें परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट अज्यूम किया जाता है एंड इट इज बीन कंपाउंडेड ओवर द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन। तो इसका फॉर्मूला ये है पी एन इट इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर की पावर एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ डिकेट्स, आर इज द परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड पी नॉट इज द इनिशियल पॉपुलेशन। तो आर है जो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो हर बार चेंज होगा। मतलब जैसे 1980 में इतनी पॉपुलेशन है, 1990 में इतनी पॉपुलेशन है तो और 2000 में इतनी है, तो हर बार आर की वैल्यू चेंज होगी। तो हम एक आर की एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं जो कि यूज की जाती है इसमें। इसके दो मेथड है आर की एवरेज वैल्यू निकालने के। पहला है अर्थमेटिक मीन मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन मेथड। जनरली हम ज्योमेट्रिक मीन मेथड से ही आर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इनके दो फॉर्मूले हैं ये आर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के। इसमें तो एवरेज निकाला है अर्थमेटिक मीन में और इसमें ज्योमेट्रिक मीन निकाला है। थर्ड मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इन दिस मेथड एन एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इज कंसीडर्ड ओवर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू कंप्यूट द फ्यूचर पॉपुलेशन।
तो इसमें हमने p नॉट प्लस एन एक्स बार, दिस इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसके ऊपर ये एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज कंसिडर किया है फ्यूचर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए. y बार इज एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज, एंड x बार इज एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर डिकेड. तो हम ये मेथड जनरली तब यूज करते हैं जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है. फोर्थ मेथड है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड. इन दिस मेथड एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन. इसमें एक एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर किया जाता है, जो आगे मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी कैसे कैलकुलेट होता है. ये जनरली मेथड तब यूज करते हैं जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तब ये मेथड जनरली यूज किया जाता है. फिफ्थ मेथड इज द लॉजिस्टिक कर्व मेथड. ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लाइकली टू अचीव सैचुरेशन, पॉपुलेशन को अचीव करना स्टार्ट कर देती है, तब ये मेथड जनरली यूज करते हैं. जब हमारी किसी भी सिटी की पॉपुलेशन लॉजिस्टिक कर्व के पाथ को फॉलो करे तब ये मेथड यूज किया जाता है. लॉजिस्टिक कर्व इज एस शेप्ड कर्व. यहाँ पे पीएस रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेशन पॉपुलेशन को, P1 पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स, P2 पॉपुलेशन आफ्टर T2 ईयर्स, एंड P0 इज पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ सेंसस रिकॉर्ड. और P रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन आफ्टर एनी टाइम टी ईयर्स. तो हमें ये लॉजिस्टिक कर्व मेथड के थ्रू हमें P कैलकुलेट करना होता है जो पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी ईयर्स है. तो P कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है PS अपॉन 1 प्लस M ln इनवर्स NT. यहाँ पे M और N दोनों ही कांस्टेंट है, PS सैचुरेशन पॉपुलेशन है, M को कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से PS माइनस P0 अपॉन P0. PS को कैलकुलेट किया जाता है 2P0 P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर P0 प्लस P2 डिवाइड बाय P0 P2 माइनस P1 स्क्वायर. PS इसे कैलकुलेट किया जाता है एंड N इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 ln P0 PS माइनस P1 अपॉन P1 PS माइनस P0. ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख के P की वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. इसमें इन फॉर्मूलेज के थ्रू पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है लॉजिस्टिक मेथड में. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इन सारे मेथड्स के ऊपर एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे. ईयर, सारे ईयर की पॉपुलेशन दे रखी है 1000 में. अब सबसे पहले अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से कैलकुलेट, अर्थमेटिक मीन मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. ज्योमेट्रिक मीन मेथड के लिए, ज्योमेट्रिक मेथड के लिए हमें परसेंटेज आर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करना होगा. इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के लिए हमें वाई कैलकुलेट करना होगा जो कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज है. और डिक्रीजिंग रेट मेथड के लिए हमें डिक्रीज इन परसेंटेज आर कैलकुलेट करना होगा. एक्स को कैलकुलेट कर, एक्स इज द एवरेज इंक्रीज इन द, एक्स बार इज द एवरेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, एक्स इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो कितना इंक्रीज हो रहा है 1920 में 25,000 का, तो यहाँ पे 25 इन दोनों 1930 और 20 के बीच में कितना इंक्रीज हो रहा है 50,000 का. ऐसे ही सारे ईयर्स के बीच कितना इंक्रीज हो रहा है वो अपन हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब देखते हैं परसेंटेज आर कैसे कैलकुलेट होता है. इट इज द परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो 25,000 इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय 50,000 इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ परसेंटेज आर, दैट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सिमिलरली हम ऐसे ही सारे परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे, 50 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100. इससे ये सारे निकल जाएंगे आर की वैल्यू. अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब जितना इंक्रीज हो रहा है उस पर कितना इंक्रीज हो रहा है. तो इसमें देखते हैं 1920 और 10 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ 25,000 का. उसके बाद 20 और 30 के बीच में 50,000 का. तो इनके इंक्रीज का कितना इंक्रीज हुआ है, हर बार इंक्रीमेंटल इंक्रीज देखना है हमें. तो 50 माइनस 25,000 का इंक्रीज हुआ, इसमें डिक्रीज हो रहा है. पहले 50,000 इंक्रीज हुआ, अब 25,000 इंक्रीज हुआ. तो अब इंक्रीज में वैल्यू डिक्रीज हुई है. तो 25,000 माइनस 50,000 इट इज माइनस 25. सिमिलरली 80,000 माइनस 25,000 इट इज 55,000. 50 माइनस 80,000 इज माइनस 30 एंड 40,000 माइनस 50,000 इज माइनस 10,000. और अब निकालते हैं डिक्रीज इन परसेंटेज आर.
आर की वैल्यू में कितना डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, 50 से 66.66 हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, तो ये वैल्यू हम नेगेटिव में लिखेंगे। इसमें डिक्रीज हुआ है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में, 66.66 से 20% हुआ है, डिक्रीज हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि हमें डिक्रीज इन परसेंटेज आर कैलकुलेट करना है। अब 53.33 इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे ही सारी वैल्यूज हमने डिक्रीज इन परसेंटेज आर की निकाल ली। अब देखते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज। सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका एक्स बार इज द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हमने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली। अब देखते हैं परसेंटेज आर, हम परसेंटेज आर देखते हैं कैसे निकालेंगे। इन सारी आर की वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, जिससे परसेंटेज आर निकल जाएगा। अब देखते हैं इंक्रीमेंटल एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना हो रहा है वाई बार। वाई बार के लिए इन सब का एवरेज, वाई की वैल्यूज का एवरेज निकाल लिया जो कि 3000 निकला। अब देखते हैं एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज आर, ये सारे थे डिक्रीज इन परसेंटेज आर, अब हम देख रहे हैं एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज आर। इन सारी वैल्यूज का एवरेज निकाल के फिर वो निकल जाएगा एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज आर। अब हम आगे देखते हैं मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने सारा डेटा निकाल लिया जो क्वेश्चन सॉल्व करने में चाहिए होगा। सबसे पहला अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, इसमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का तरीका था पीएन इट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। पी नॉट हमने कंसिडर किया 1970 की पॉपुलेशन को और 1980 की हमें कैलकुलेट करनी है, तो वन डिकेट आ रहा है बीच में 1970 और 1980 के बीच में, तो वन मल्टीप्लाई बाय 45,000 जो हमारी एक्स बार की वैल्यू थी। अब इससे ये पीएन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन मेथड, इसमें पीएन इट इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस आर की पावर एन। पी नॉट हमने 1970 की पॉपुलेशन को लिया है, वन प्लस आर की एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी ज्योमेट्रिक मीन से 32.14 डिवाइड बाय 100 क्योंकि ये परसेंटेज में है की पावर वन, क्योंकि वन डिकेट आ रहा है बीच में, तो पीएन की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। अब थर्ड मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इसमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का तरीका था पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाई बार। यहाँ पे 1970 की पॉपुलेशन एन एक्स बार वेयर एन इज वन डिकेट, एक्स बार इज 45,000 प्लस वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई 3000 जो हमारी वाई बार की वैल्यू थी। अब इससे आंसर आया 3,68,000। फोर्थ मेथड है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, जिसमें 1970 की पॉपुलेशन हमने ली प्लस अब हम देखना है कितना आर में कितना डिक्रीज आया था। एवरेज डिक्रीज इन आर 7.146 इतना आर में डिक्रीज आया था, ये जो नेगेटिव डिक्रीज हो रहा था तो नेगेटिव। अब आर की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 32.14 माइनस जो जितना डिक्रीज हो रहा है आर की वैल्यू में वो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन 1970 की, तो इससे हमें हमारी ये 1980 की पॉपुलेशन निकल जाएगी। इन सारे मेथड्स में हमने देखा कि सबसे ज्यादा वैल्यू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में आ रही है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें ये मेथड तब यूज करना होगा जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होगी, यानी यंग सिटीज के लिए ये मेथड जनरली यूज होगा जिसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी। और सबसे कम वैल्यू आ रही है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की, तो ये मेथड हम जनरली ओल्ड सिटीज के लिए यूज करेंगे जहां पे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होगी, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज मेथड वहां पे यूज करेंगे। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इन दोनों के बीच की वैल्यू दे रहा है, डिक्रीजिंग रेट मेथड इससे ज्यादा दे रहा है, तो ये मेथड जनरली हम तभी यूज करेंगे जब हमें पता नहीं होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों जनरली तब यूज कर रहे हैं जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट चल रही हो, तब यूज करेंगे मेथड। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर। तो आज हमारा ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द सोर्स डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। थैंक यू।